दीपिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आज, क्या कहोगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में? यस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था एंड यही कहूँगी कि आगे आने वाले जितने भी टीम और इंडिविजुअल टूर्नामेंट है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। फोर्थ टीम फिनिश, उसके बारे में कुछ? कुछ नहीं, हम टीम में सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जैसे कि ये पूरे साल हम पहला मैच हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, हम अच्छा स्कोर नहीं मार पाए, तो हम सबके अंदर बहुत वो एग्रेसिव भरा पड़ा हुआ है, तो आई होप वो एग्रेशन हम उस टूर्नामेंट उस कॉम्पिटिशन में निकाल। आपका ये फोर्थ ओलंपिक्स है तो आपके ओवरऑल जर्नी के लिए छोटा सा कुछ आप बता सकते हैं कैसा डिफरेंस है फर्स्ट और फोर्थ ओलंपिक से? ऑब्वियसली पहला वाले में कुछ भी नहीं पता था, फोर्थ वाले में अभी मतलब ऐसे कि ओलंपिक्स है, ओके ठीक है ओलंपिक्स है, सो थोड़ा मैच्योरिटी आ गई है देखा जाए, क्योंकि पहले फर्स्ट ओलंपिक ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, यह होगा वो होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और नो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, बट वो चीज़ अभी उतनी नहीं है एंड यस ये फोर्थ ओलंपिक है बट लग नहीं रहा। आपका ये फोर्थ ओलंपिक लेकिन एज इन मदर आपका ये फर्स्ट ओलंपिक्स है, तो कैसा होता है, कैसा आप मैनेज करते हो बच्चों के साथ एंड क्योंकि एक मदर एज ओलंपियन थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है? यस, मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई है पर मैंने उसके साथ बियरली 5 महीने भी नहीं बिताए हैं, सो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज गेम और फिर फैमिली को मैनेज करना और एक ऐसे गेम में जहाँ पे आपको दिन का 10 घंटा लगाना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट बात जब मेडल की आती है तो फिर वो सब थोड़ा करती हूँ, इतना वो बात नहीं करती हूँ, वो इग्नोर कर देती है बट एनीहाउ एटलीस्ट मैं उसको देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच दीपिका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।